यशोमती मैया के नंद लाला। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। यो खाओ। कान्हा, बोलो गागा, सिगरेट छुपा लो, मुझे मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? तिगरे छुपा लो मुझे। जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। जे तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। संकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला गंगा, मुझे शीघ्र निकालो ना यहाँ से, मैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते, देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? शीघ्र निकालो ना भोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। प्रभु ततास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। ततास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु आप सच में अद्भुत हैं, मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया, मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो, आप चाहते तो इस मटके से
स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगो, फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई करो है ना? हाँ, आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंच रही हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है, ये बात ना तो भूला काका को पता थी, ना संकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच्ची तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा, वो तो मैंने इसे कभी सुनाई ही ना है, फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान है भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा। मैंने तो इन्हें पहचान लिया, और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाए। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। बोला जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, हरी सबके सामने खुल गया। और तो और, मेरा भेद
मैया को भी पता चल गया बाबा। सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु, अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर तोड़े चले आए। अपने आपको दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी भैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे चमा कर दो प्रभु, मुझे चमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं ममता चाहिए मुझे। कानम, मेरे सामर्थ्य में हो तो अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ काना? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का सोप पूरी तरह हिलाई नहीं था योग माया। मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता के रस से सेम को भी घनो जाता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु।
इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। छड़ी पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रो है। नटखट कहीं का हंसी आ रही है। अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हसीना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे? तो घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा क्या होगो? ना कछु ना, आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहे है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में भय ना लग रहा है इसे? हाँ हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू चल चल। दाऊ आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल तू कचो खा क्यों ना रो है? व्रती करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले, तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोसारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा का और मुख्य अधिक है।
रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना ना मैं ना बोलूंगी, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने क्या हो सकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि काना फिर से हमारे साथ गौचारण करने के लिए आने लगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.